फास्ट बॉलर मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम थोड़ा सा बॉलिंग कर रहे हैं तो कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो जा रहा है, कभी ग्रोइंग पुल हो जा रहा है, कभी शोल्डर में पेन आ जा रहा है, तो इसका कारण क्या होता है? वो फिजिकली भी बहुत अच्छे है, फिटनेस भी अच्छी कर रहे हैं और अच्छे बिल्ट है, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो हर चीज पे फोकस कर रहे हैं लेकिन एक बहुत ही मेजर चीज है उस पर ध्यान नहीं देते, वो होते हैं वार्म अप। प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करने से उनको ये सब इंजुरी का सामना करना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि जब आप वार्म अप करते हो तो आपकी मसल वार्म होती है, आपका ब्लड फ्लो तेज होता है और आपका मसल मेमोरी कनेक्शन बनता है जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉपर वार्म अप क्या होता है। अक्सर जो मैं वार्म अप के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रैंप, रैंप वार्म अप। आप सोच रहे होंगे रैंप वो चढ़ने वाला रैंप नहीं, रैंप RAMP से बन के मिलके बना है। इसमें होता क्या है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है, आपको एक सेगमेंट के बाद दूसरे में जाना है, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसे पूरे प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगे और आपकी बॉडी रेडी रहेगी। जो भी एक्टिवेशन करने जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी बॉडी रेडी रहेगी। तो रैम में सबसे पहले होता है आर, आर का मतलब होता है राइज, उसके बाद होता है ए एक्टिवेशन, एम से मोबिलाइज और पी से होता है पोटेंशिएट। तो ये चारों का डेमोंस्ट्रेट करके मैं आपको बताऊंगा, मेरे मेरे साथ गोलू है और दूसरे बॉलर्स हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से वार्म अप करके दिखाएंगे कि ये वार्म अप कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे रैंप वार्म अप में सबसे पहला है आर। तो आर में क्या करना है, आपको अपनी हार्ट रेट को रेज करना है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, या तो दो ऑप्शन है, या तो फुल ग्राउंड आप 2 राउंड मार लीजिए या फिर 5 मिनट की जॉग कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे, जॉग स्लो जॉग करना है आपको, वापस बैक कंटिन्यू स्लो जॉग। अगर आप जिम में हैं तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं और बर्पी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। ये चीज़ों से भी आपका हार्ट रेट रेज होगा, मसल टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे मसल में इलास्टिसिटी बढ़ेगी। इसके बाद आता है सेकंड सेगमेंट एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में आपको अपनी कोर मसल्स को वार्म करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप प्लैंक कर सकते हैं, ठीक है, प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा लूप बैंड के द्वारा ग्लूट एक्टिवेशन कर सकते हैं, क्लैम शेल को कर सकते हैं। इससे आपकी जो मसल्स, कोर मसल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाली है वो और अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेशन के बाद हम करेंगे मोबिलिटी, मोबिलाइजेशन, सारे जितने हमारे मेजर जॉइंट है सबको मोबिलाइज करना है, ठीक है। उसमें आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मीन्स एंकल एंकल मोबिलिटी, ठीक है, हिप मोबिलिटी, थोरेसिक मोबिलिटी और शोल्डर मोबिलिटी, ये सीक्वेंस से जाएंगे। इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो प्रॉपर वार्म अप तरीके सारी एक्सरसाइज। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है पी। पी का मतलब पोटेंशिएट, मीन्स अब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे क्योंकि आप एक्टिविटी के पास आ रहे हैं। आपने हार्ट रेट रेज कर लिया, मसल्स को वार्म कर लिया, मोबिलाइज कर लिया, अब आपको ये पोटेंशिएट में आप जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को तैयार करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। जैसे हम बॉलर हाँ, मैं बॉलर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो अभी आपको शुरू में अपने एक्शन में हल्की, ये थोड़ी हैवी बॉल है, इससे धीरे धीरे अपने उस मूवमेंट को वार्म करना है, ठीक है। 2-4 बॉल डालने के बाद थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इसमें पोटेंशिएट में आपने क्या किया, धीरे धीरे अपने जो एक्टिविटी करने वाले हैं उस मोशंस को तैयार किया, इंटेंसिटी बढ़ाई, लास्ट में 1-2 रैप आपको फुल इंटेंसिटी से उस मोशन को करना है जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं। आज तक जैसे भी आप वार्म अप कर रहे थे कोई खराब नहीं होता, कोई बेकार नहीं होता, लेकिन ये इस तरीके से करने से आप पूरी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड प्रिपेयर है एक्टिवेशन के लिए, और आप एफिशिएंसी से करेंगे, आप अच्छी इंटेंसिटी से करेंगे, इंजुरी से बचेंगे और परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है वार्म अप करने का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।